option you know again.
जय माँ सरस्वती। गुड मॉर्निंग, राम राम, सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है भी सभी के? एकदम मस्त। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ भी देखिए भी सुनना भी। कल अपन ने लास्ट पढ़ा था SNI मैकेनिज्म, आज पढ़ते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स गौर करना भी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एल्केन में भी मिलती है और एलाइलिक और बेंजाइलिक तीनों कंडीशन में मिलती है, तीनों कंडीशन में मिलती है। हाँ भी सुनना भी। इधर मैंने लिखा है, यहां पर पहली बात क्या लिखोगे, एच न्यू या सनलाइट प्रकाशिक विकिरण की उपस्थिति में, पाई जाती है। रिएक्शन प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू और सनलाइट। रिएक्शन प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू और सनलाइट। अगली लाइन, अभिक्रिया एक से अधिक पदों में हो सकती है। अभिक्रिया एक से अधिक पदों में हो सकती है। रिएक्शन कैन बी प्रोसीड, मोर देन वन स्टेप। अभिक्रिया एक से अधिक पदों में हो सकती है, ठीक है भी। ड्यूरिंग द रिएक्शन, अभिक्रिया के दौरान, मुक्त मूलक का निर्माण होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, मुक्त मूलक का निर्माण होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा भी, CH4 प्लस Cl2 और एच न्यू क्या बनेगा, सबसे पहले CH3Cl, फर्दर अगर और करवा दें तो क्या बनेगा, CH2Cl2, और फिर अगर और करवा दें तो क्या होगा, Cl2 को एक्सेस में लिया है, Cl2 को बेटा किस में लिया है गुरुजी, एक्सेस में लिया है, तो ये बनेगा लास्ट में CCl4। ध्यान रखना CCl4 का कॉमन नेम पायरेन होता है, CCl4 का सामान्य नाम, कॉमन नेम क्या होता है बेटा जी, पायरेन। क्या नाम है, पायरेन, ठीक है। वैसे बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4, ये लीजिए भी CCl4, ठीक है भी। Cl2 के आधिक्य में करवाई, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक Cl, HCl, फिर यहां से Cl और एक हाइड्रोजन, HCl बाहर निकल गया, फिर दोबारा करवाई एक Cl और एक यहां से हाइड्रोजन, HCl वापस बाहर निकल गया, फिर CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, से Cl2 की रिएक्शन करवाई, HCl बाहर निकल गया और क्या बन गया, CCl4। अपना कैसे क्रिया विधि, नहीं
रिएक्शन देखिए, अभिक्रिया कैसे हुई। देखिए सबसे पहले Cl2 H न्यू प्रकाशिक ऊर्जा सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, और जैसे ही सनलाइट की ऊर्जा को अवशोषित करेगा Cl2 मॉलिक्यूल गेट एक्साइटेड, Cl2 अणु उत्तेजित हो जाता है। जैसे ही ऊर्जा ली, बॉन्ड में कंपन होने शुरू, वाइब्रेशन होने शुरू हो जाएंगे, और ये क्या हो गया, एक्साइटेड, एक्साइटेड मॉलिक्यूल आंबी उत्तेजित अणु, ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल उत्तेजित अणु। अगला काम क्या करोगे भी, आगे इसमें मुक्त मूलक फ्री रेडिकल होमोक्लीवेज होगा, समांगी विदलन, बॉन्ड का इक्वल पार्ट में टूटना, एक इधर वाले सीएल को इलेक्ट्रॉन और एक इधर वाले सीएल को इलेक्ट्रॉन। ये लीजिए दो सीएल, एक इलेक्ट्रॉन इस सीएल पर और एक इलेक्ट्रॉन इस सीएल पर, और इसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन मुक्त मूलक, ठीक है भी। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा किसके ऊपर, CH4, किस पर अटैक करेगा बेटा जी, CH4 पर अटैक करेगा। तो देखना इधर, सबसे पहले फर्स्ट CH3H और प्लस Cl का एक इलेक्ट्रॉन, एच न्यू की उपस्थिति, होमोक्लीवेज, समांगी विदलन होगा। यहां पर ध्यान रखना, प्रत्येक कार्बन फ्री रेडिकल पर Cl2 जुड़ता है, प्रत्येक कार्बन मुक्त मूलक पर कौन जुड़ता है भी, Cl2 जुड़ता है। यहां Cl का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना लेगा, HCl। CH3 पर क्या रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए CH3 एक इलेक्ट्रॉन। अब CH3 एक इलेक्ट्रॉन, इस पर कौन जुड़ेगा, Cl2, वही एच न्यू की उपस्थिति है भी, Cl का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे Cl पर एक इलेक्ट्रॉन, Cl का एक इलेक्ट्रॉन और CH3 का एक इलेक्ट्रॉन, ये बना लेगा CH3 Cl प्लस, ये Cl किस में बच गया, एक इलेक्ट्रॉन Cl, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ध्यान रखना मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं, क्लोरीन मुक्त मूलक तो कार्बन फ्री रेडिकल बनाता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल ऑलवेज फॉर्म कार्बन फ्री रेडिकल, क्लोरीन मुक्त मूलक कार्बन मुक्त मूलक का निर्माण करता है, एंड Cl2 अटैक्स ऑन कार्बन फ्री रेडिकल, वे Cl2 कार्बन मुक्त मूलक पर आक्रमण करता है थ्रू द होमोक्लीवेज, समांगी विदलन के द्वारा। ये देखिए भाई, Cl मुक्त मूलक का Cl फ्री रेडिकल हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ बना लिया HCl, कार्बन पर बच गया एक इलेक्ट्रॉन, ये बना मिथाइल फ्री रेडिकल CH3 एक इलेक्ट्रॉन, और कार्बन फ्री रेडिकल पर अटैक कर रहा है कौन, Cl2, Cl2 में Cl का एक इलेक्ट्रॉन और CH3 का एक इलेक्ट्रॉन, ये बनाएगा CH3Cl। ये Cl नेक्स्ट स्टेप में अभिक्रिया करेगा, नेक्स्ट स्टेप में अभिक्रिया करेगा किसके साथ, इसी के साथ। तो सुनना भी, यहां पर लिखा है मैंने सेकंड, आप कहोगे CH और ये लीजिए H और Cl प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। अब सुनना भी, Cl फ्री रेडिकल का काम क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल को बनाना, Cl फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, Cl मुक्त मूलक और क्लोरीन मुक्त मूलक, वो हाइड्रोजन मुक्त मूलक, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, आप कहोगे सर HCl प्लस, CH2 पर क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन, CH2 पर क्या बच जाएगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए CH2 पर एक इलेक्ट्रॉन, ये Cl, ये क्या बन गया अभी, कार्बन फ्री रेडिकल, ये क्या बन गया, कार्बन फ्री रेडिकल।
और इसमें यहां पर क्या बना था, कार्बन फ्री रेडिकल। प्रत्येक कार्बन मुक्त मूलक पर, प्रत्येक कार्बन फ्री रेडिकल पर अटैक करेगा कौन, ये भी सीएल टू अटैक करेगा। देखो कैसे, एक इलेक्ट्रॉन इस सीएल पर, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे सीएल पर, यहां पर एक सीएल और सीएस टू का एक इलेक्ट्रॉन, सीएल का एक इलेक्ट्रॉन और सीएस टू का एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना लेगा सीएस टू। एक सीएल पहले से जुड़ी हुई है, एक और जुड़ गई, डाइक्लोरो मिथेन सीएस टू सीएल टू बन गया, और रह गया क्या सीएल फ्री रेडिकल बच गया, ये लीजिए सीएल फ्री रेडिकल बच गया भाई। अब अगला सीएल फ्री रेडिकल इसके साथ वापस रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल बना देगा भाई। देखिए कैसे बनाएगा, देखिए भी कैसे बनाएगा, गौर करना। तीसरी स्टेप वापस रिपीट करनी पड़ेगी मुझे, वापस रिपीट करनी पड़ेगी, टेंशन ना लेना, ठीक है। अब ये सीएल फ्री रेडिकल इस पर अटैक करवा दो भाई। थर्ड स्टेप में सी एच एच और सी एल टू और प्लस सी एल, यहां से लगातार बोलता आ रहा हूं कि क्लोरीन फ्री रेडिकल ऑलवेज फॉर्म कार्बन फ्री रेडिकल, पूरे में सीएल मुक्त मूलक कार्बन मुक्त मूलक का निर्माण करता है, जबकि कार्बन मुक्त मूलक पर अटैक करेगा कौन, सीएल टू। इतना सा दिमाग में रखना है, तो सुनना भी, हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और सीएल का एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना लेंगे HCl, CH पर क्या बच गया बेटा जी एक इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे CH पर एक इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए Cl2, ये बन गया कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, फिर बना कार्बन मुक्त मूलक कार्बन फ्री रेडिकल। अब इस कार्बन मुक्त मूलक पर, इस कार्बन मुक्त मूलक पर अब अटैक करेगा कौन Cl2, ये लीजिए भी Cl2 अटैक करेगा बेटा जी, ये लीजिए Cl पर एक इलेक्ट्रॉन और इधर वाले Cl पर एक इलेक्ट्रॉन, Cl का एक इलेक्ट्रॉन और इधर CH का एक इलेक्ट्रॉन, क्या बना लेंगे भी CH Cl3, इसको अपन बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं CH Cl3 को क्लोरोफॉर्म, ये Cl बच गया एक इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए Cl पर एक इलेक्ट्रॉन। मैं प्रत्येक स्टेप में बोलता आ रहा हूं, कौन सी बात बोलते आ रहे हो गुरुजी, बेटा जी क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म कार्बन फ्री रेडिकल, क्लोरीन मुक्त मूलक कार्बन मुक्त मूलक बनाएगा, जबकि कार्बन फ्री रेडिकल पर Cl2 अटैक करेगा, कार्बन मुक्त मूलक पर कौन अटैक करेगा बेटा जी, आप कह दोगे क्या भाई, आप ये कहोगे सर उस पर Cl2 अटैक करेगा, ठीक है। अब अगला फोर्थ एंड लास्ट स्टेप, अब Cl इस पर अटैक करेगा, किस पर CHCl3 पर, ये लीजिए भी क्लोरोफॉर्म पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन पर, ये क्या बना लेगा Cl का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये बना ले Cl, क्या बना लेगा बेटा HCl, और CCl3 पर क्या रह गया एक इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए CCl3 पर क्या रह गया एक इलेक्ट्रॉन। अब CCl का और इसके साथ किसको जोड़ना है Cl2 को, तो Cl का एक इलेक्ट्रॉन और CCl3 का एक इलेक्ट्रॉन, ये बना लेगा CCl4, और लास्ट में बच गई एक Cl, और ध्यान रहे कौन सी बात, ऊपर भी एक Cl दो लिए थे, दो में से एक काम में लिए, बाकी तो Cl2 काम में लिए, तो सुनना भी, यहां से एक Cl और लास्ट वाला एक Cl, ये दोनों Cl मुक्त मूलक मिलके वापस क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे Cl2। मैं पूरा वापस रिपीट कर रहा हूं, एक बार ढंग से सुनना भी, पहली बात कहेंगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू एंड सनलाइट थ्रू द
होमोक्लिवेज। यह अभिक्रिया HNU व प्रकाशिक विकिरणों की उपस्थिति में पाई जाती है। किसके द्वारा भाई? सर समांगी विदलन के द्वारा, थ्रू द होमोक्लिवेज, समांगी विदलन के द्वारा, थ्रू द होमोक्लिवेज, समांगी विदलन के द्वारा। रिएक्शन प्रोसीड इन मोर देन वन स्टेप्स, अभिक्रिया एक से अधिक पदों में होती है। रिएक्शन प्रोसीड इन मोर देन वन स्टेप्स। अगला, ड्यूरिंग द रिएक्शन फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, अभिक्रिया के दौरान मुक्त मूलक का निर्माण होता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड। अगला इन भाई एग्जाम्पल लिया अपन ने मेथेन का, और ये रिएक्शन किस में पाई जाती है? तो आप कह दोगे किस में भाई? एल्केन में भी मिलती है और एलाइल ग्रुप और बेंजाइलिक ग्रुप में, और हिंदी वाले क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक में। ठीक है भाई, तो सुनना भी आगे। CH4 और Cl2 का एक Cl और HSCl बाहर निकला, HNU की उपस्थिति है, एक Cl जुड़ के क्या बना लेगा? CH3Cl, नाम है क्लोरोमीथेन। अगला, इसके दोबारा रिएक्शन करवा दो Cl2 से, यहां से एक हाइड्रोजन और एक Cl, HCl बाहर निकला, एक Cl जुड़ा, नाम क्या है? CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन। और आगे करवा दो Cl2 के एक्सेस में करवा रहे हैं, एक Cl और एक हाइड्रोजन HCl, ये बन जाएगा CHCl3, और फिर एक HCl निकाल के क्या बना लो? CCl4। और क्या बोलोगे भी? इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम पायरेन, या बोलते हैं इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगला, क्रियाविधि सुने में, रिएक्शन हुई कैसे, मैकेनिज्म सुनना में गौर से देखें में। हम भी सुनना भी आगे देखिए। सबसे पहले Cl2 HNU प्रकाशिक ऊर्जा को अवशोषित करेगा, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर जैसे ही मॉलिक्यूल, जैसे ही अणु ऊर्जा लेगा, वो क्या होगा? एक्साइटेड, उत्तेजित हो जाएगा, एक्साइटेड मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। मैंने यहां पर Cl2 स्टार लगाया है, उत्तेजित अणु, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। उत्तेजित अणु में क्या होगा? वाइब्रेशन होगा, बॉन्ड में, बंध में कंपन होंगे, उससे क्या होगा? होमोक्लिवेज, एक Cl पर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे Cl पर एक इलेक्ट्रॉन। ये लीजिए, इधर वाले Cl पर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे Cl पर एक इलेक्ट्रॉन, ये 2Cl फ्री रेडिकल, नाम क्या दोगे? क्लोरीन फ्री रेडिकल। आगे भाई, अब ये क्लोरीन मुक्त मूलक अभिक्रिया करेगा किससे? मीथेन से। करवा दो भी, मीथेन में जो CH बॉन्ड है HNU के कारण, इसमें भी क्या होगा? होमोक्लिवेज, समांगी विदलन, हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन बचते ये बना मिथाइल फ्री रेडिकल, Cl का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन क्या बना लेंगे? HCl, और प्रत्येक जगह है कौन भाई? HNU की उपस्थिति है। ठीक है भाई, अगला नेक्स्ट सुनना भी। अब CH3 फ्री रेडिकल पर अटैक करेगा कौन? Cl2। अब Cl2 में Cl का एक इलेक्ट्रॉन और CH3 का एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना लेगा? CH3Cl, और एक Cl अलग होगा, Cl मुक्त मूलक, Cl फ्री रेडिकल। याद रह जाएगी बात भी, अगली बात सुनना भी। अब ये Cl फ्री रेडिकल आगे अभिक्रिया करेगा किससे? CH3Cl से। किससे? CH3Cl से। ये लीजिए CH3Cl, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री रेडिकल बनाएगा, हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और Cl का एक इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे बेटा जी? HCl। कार्बन पर क्या बचेगा? एक इलेक्ट्रॉन, ये बन गया CH2Cl एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन फ्री रेडिकल बन गया। मैं लाइन जो बोल रहा हूं वो सुनना, कार्बन फ्री रेडिकल पर अटैक करेगा Cl2,
कौन अटैक करेगा? सीएल टू। इस पर अटैक करवा दो बेटा जी, किसका? सीएल टू का। तो वही जो ऊपर करवाते आ रहे, एक सीएल पर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे सीएल पर एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और सीएल का एक इलेक्ट्रॉन, ये बना लेंगे क्या भाई? सी एस टू सी एल टू, बच गया कौन? एक सी एल, ये लीजिए सी एल। और सी एल फ्री रेडिकल का काम क्या है? कार्बन फ्री रेडिकल बनाना। अब ये दोनों देखो, ऊपर ये दोनों रिएक्शन करके थे, अब इन दोनों की वापस करवा दो, ये लीजिए वापस करवा दी। ये सी एल फ्री रेडिकल हाइड्रोजन को हटाएगा, सी एल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन मुक्त मूलक, ये बना लेंगे एच सी एल। सी एच पर क्या आएगा? एक इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए सी एच सी एल टू। अब इस सी एच सी एल टू पर अटैक कौन करेगा? सी एल टू, कार्बन बन गया ना, कार्बन मुक्त मूलक, प्रत्येक कार्बन मुक्त मूलक पर सी एल टू अटैक करेगा, इतनी सी बात याद रखनी है। तो सुनना में, इस पर सी एल टू का अटैक करवाओ, सी एल पर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे सी एल पर एक इलेक्ट्रॉन, सी एल का एक इलेक्ट्रॉन और सी एच का एक इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा? सी एच सी एल थ्री, और एक सी एल निकल गया, सी एल फ्री रेडिकल अलग हुआ। और इनकी जैसे इन दोनों की आपस में करवाई थी, इन दोनों की करवाई थी, अब इन दोनों की आपस में करवा दो, सी एच सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म और सी एल फ्री रेडिकल, क्लोरोफॉर्म और सी एल फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन और सी एल निकल के बना लेंगे एस सी एल। सी सी एल थ्री पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सी सी एल थ्री पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, सी सी एल थ्री पर एक इलेक्ट्रॉन, और फिर सी एल टू के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो सी एल का एक इलेक्ट्रॉन और सी सी एल थ्री का एक इलेक्ट्रॉन, सी सी एल फोर बना, एक सी एल क्लोरीन फ्री रेडिकल में अलग हो गया। अब रिएक्शन चेन टर्मिनेशन, अभिक्रिया क्या हुई? ये तो है चेन इनिशिएशन, श्रृंखला का प्रारंभन, सेकेंड थर्ड फोर्थ कौन सी है? श्रृंखला का इलोंगेशन, दीर्घीकरण, और ये सीएल फ्री रेडिकल और यहां से एक सीएल फ्री रेडिकल, ये सीएल टू बना लेंगे, जैसे सीएल टू बना अभिक्रिया क्या हो जाएगी? बंद, चेन टर्मिनेशन। ठीक है भाई, अब एक काम करें, फटाफट इसको लिख डालें, आपको कोई भी डाउट है तो बताएं भी। लिख डालें भी फटाफट, फटाफट लिख डालें भी, बढ़िया तरीके से छाप दें, इंग्लिश वाली ये लाइन लिख दें, हिंदी वालों के लिए सब कुछ लिखा हुआ है, लिखिए भी। हाँ भी लिखो, पहले लिख देना एग्जाम्पल, उदाहरण एल्केन, एलिल ग्रुप और बेंजाइलिक ग्रुप। दूसरा लिख दो, रिएक्शन प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ, रिएक्शन प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू और सनलाइट, एच न्यू और सनलाइट थ्रू द होमोक्लीवेज, थ्रू द होमोक्लीवेज। अगला नेक्स्ट लिखना लाइन इंग्लिश वाले, सभी टाबर और टाबरी लिख डालें भाई, रिएक्शन प्रोसीड इन मोर देन वन स्टेप, रिएक्शन प्रोसीड इन मोर देन वन स्टेप, अभिक्रिया एक से अधिक पद में होती है, रिएक्शन प्रोसीड इन मोर देन वन स्टेप। हाँ भी अगला नेक्स्ट लिखना भी, ड्यूरिंग द रिएक्शन फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, ड्यूरिंग द रिएक्शन फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, अभिक्रिया के दौरान मुक्त मूलक का निर्माण होता है। अब पूरा लिख डालो भी बढ़िया तरीके से, छाप दें भाई, छाप दो, फिर बता दीजिए गुरुजी, चाल बा दो, चाल बा दो, चाल बा दो।
लिख दें भी, सभी टावर एंड टावरी लिख दें फटाफट। लिख दिया क्या भाई? अगर लिख दिया हो तो बता देना भी। चलें आगे। अगर लिख दिया हो तो बता देना। चलिए भी आगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं, आपको बताता हूं एलिलिक प्रतिस्थापन, एलाइलिक फ्री रेड, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिलिक प्रतिस्थापन डिस्कस करते हैं। नाम क्या है बेटा जी? एलिलिक प्रतिस्थापन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इसी में ही है बेटा। एलिलिक प्रतिस्थापन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाले में ही है, ठीक है। चलें भी आगे तो सुनना भी। इधर देखें, इधर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर है CH3 और आगे रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? Cl2 के साथ, HNU की उपस्थिति में। डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन, ये CH3 वाला कार्बन, ये कार्बन कौन सा है? एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और हिंदी वाले टाबर एंड टाबरी क्या बोलते हैं भी? एलिलिक कार्बन बोलते हैं, एलिलिक कार्बन बोलते हैं। यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक Cl, ये बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH2Cl और इसको अपन बोलते हैं एलाइलिक क्लोराइड। क्या बोलते हैं भी? एलाइलिक क्लोराइड। ये लीजिए भी, एलाइलिक क्लोराइड। अब अगली बात सुनना भी इधर। अब अगली बात सुनना, सबसे पहले Cl2 HNU प्रकाशिक ऊर्जा को ग्रहण करेगा और Cl2 गेट एक्साइटेड,
उत्तेजित अणु का निर्माण करेगा। Cl2 get excited, Cl2 उत्तेजित अणु का निर्माण करेगा। फर्दर बंद में कंपन होंगे, बॉन्ड में वाइब्रेशन होंगे और फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। होमोक्लिवेज समांगी विदलन होगा, एक सीएल पर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे सीएल पर एक इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए भी दूसरे सीएल पर एक इलेक्ट्रॉन। आगे यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2H और प्लस सीएल का एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर सीएल का एक इलेक्ट्रॉन और इधर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना लेंगे बेटा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और सीएल का एक इलेक्ट्रॉन एस सी एल। सी एच टू पर क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, सी एच टू ये लीजिए भी एक इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए सी एच टू एक इलेक्ट्रॉन। इसका नाम क्या है, तो आप कहोगे एलिलिक फ्री रेडिकल, एलिलिक मुक्त मूलक, एलिलिक फ्री रेडिकल, एलिलिक मुक्त मूलक, हम भी एलाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा, एलिलिक मुक्त मूलक बनेगा, ठीक है भी। अब जो एलिलिक बना है वो कैसा है, रेजोनेटिंग है, अनुनादी स्थाई है, ऐसा है रेजोनेटिंग है, अनुनादी स्थाई है। देखिए भी एक सभी बच्चे ध्यान देना भी, देखिए ये कैसा है रेजोनेटिंग, अनुनादी स्थाई है। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 एक इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया ये कैसा है, रेजोनेटिंग स्टेबल है, अनुनादी स्थाई है, अनुनादी स्थाई, रेजोनेटिंग स्टेबल। हाँ भाई कैसे हैं, देखिए इधर यहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग इस तरीके से हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस सी एच पर और एक इलेक्ट्रॉन सी एच टू पर, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन सी एच टू पर और एक इलेक्ट्रॉन सी एच पर, सी एच का एक इलेक्ट्रॉन और इस सी एच टू का एक इलेक्ट्रॉन, क्या बना लेंगे यहां पर डबल बॉन्ड, इस सी एच टू पर क्या बनेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो देखना इस सी एच टू पर आ गया एक इलेक्ट्रॉन और इधर सी एच पर एक इलेक्ट्रॉन और सी एच टू पर एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना लेंगे डबल बॉन्ड, क्या बना लेंगे बेटा जी डबल बॉन्ड, ये हो गया रेजोनेटिंग स्टेबल है। और अनुनादी स्थाई होने के कारण ये हाइड्रोजन कहां से निकालता है, एलाइलिक कार्बन से, अधिक स्थाई मध्यवर्ती बनाने के लिए, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट बनाने के लिए एलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन को हटाता है, कहां से एलाइलिक कार्बन से। अब आगे क्या करोगे, आगे इस पर अटैक करवा दो भी, इस पर करवाओ चाहे इस पे करवा दो, ये लीजिए सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और सी एच टू एक इलेक्ट्रॉन, किसका, मैंने पीछे भी बताया था प्रत्येक कार्बन फ्री रेडिकल पर, प्रत्येक कार्बन पर फ्री रेडिकल पर क्या कहोगे भी, प्रत्येक कार्बन मुक्त मूलक पर अटैक करेगा कौन, Cl2, ये लीजिए भी Cl2, हाँ भाई, और किसकी उपस्थिति है Hnu की, Cl का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, क्या बना लेंगे भी CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 Cl, CH2 और Cl मिलके CH2 Cl प्लस Cl पर एक इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए भी Cl पर एक इलेक्ट्रॉन। अब दो Cl थे, एक यहां पे काम में ले लिया, एक Cl यहां पर बच गया, एक Cl यहां पर, ये दोनों Cl आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे Cl2, ये लीजिए भी दोनों बना लेंगे Cl2। जो मैंने ये तरीका बताया सेम इसी मेथड से, सेम इसी मेथड से
हाँ भाई, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो कौन सा है? बेंजीरिंग पर जुड़ा हुआ है CH3, दैट इज टोलुइन, टोलुइन, और टोलुइन की रिएक्शन करवानी है किसके साथ? Cl2, इन प्रेजेंस ऑफ HNu, बनेगा क्या? आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए। तौर तरीका सेम, उसमें बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा, बेंजाइलिक मुक्त मूलक बनेगा, उसका रेजोनेंस शो करके देख लेना, उसमें वो अनुनादी स्थायी होगा, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और एक ClSCl, और यहाँ पर जुड़ेगा CH2Cl, जिसका नाम होगा बेंजाइलिक क्लोराइड। नाम क्या होगा? बेंजाइलिक क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को भी आप लिख डालें, एक लाइन लिखना भी, इसमें लाइन लिखो, जब प्रोपीन की अभिक्रिया HNu की उपस्थिति में, जब प्रोपीन की अभिक्रिया HNu की उपस्थिति में Cl2 से करवाई जाती है, इंग्लिश वाले, व्हेन प्रोपीन ट्रीटेड विद Cl2, व्हेन प्रोपीन ट्रीटेड विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu, तो एलिलिक क्लोराइड का निर्माण होता है, देन फॉर्म एलाइलिक क्लोराइड, तो एलिलिक क्लोराइड का निर्माण होता है, देन फॉर्म एलाइलिक क्लोराइड। अगला लाइन, अभिक्रिया के दौरान एलिलिक मुक्त मूलक, अभिक्रिया के दौरान एलिलिक मुक्त मूलक का निर्माण होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन एलाइलिक फ्री रेडिकल्स, ड्यूरिंग द रिएक्शन एलाइलिक फ्री रेडिकल्स ऑब्टेंड, अभिक्रिया के दौरान एलिलिक मुक्त मूलक का निर्माण होता है। लिख दिया भाई, जो अनुनादी स्थायी है, दैट इज रेजोनेटिंग स्टेबल, जो अनुनादी स्थायी है, दैट इज रेजोनेटिंग स्टेबल, जो क्या है बेटा जी? अनुनादी स्थायी है, ये वाला एलाइलिक फ्री रेडिकल। अब रिएक्शन को लिख डालें भी फटाफट, अभिक्रिया को लिख डालें। लिख डालें बेटा जी, लिख डालें। लिख दें फटाफट, राधे राधे बोल, कृष्णा कृष्णा बोल, राधे राधे बोल, कृष्णा कृष्णा बोल। लिख दें भी फटाफट, राधे राधे बोल, कृष्णा बोल,
क्वेश्चन लिख देना है, ये एक क्वेश्चन तो ये है, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको और इसी के साथ अपन क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट। प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी, कंप्लीट हो गई। दो क्वेश्चन दिए हैं, ये रहा, ये कार्बन भी कैसा है ध्यान रखना, एलाइलिक है, तो ये वाली मैकेनिज्म है इसमें एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन लिख डाले मी, ठीक है भी, आज इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है भी, आज इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।